यमुना नगर में इनेलो नेता अभय चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने व 10 जुलाई के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। यहां आने पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सतलुज का पानी हरियाणा को नहीं दिलवाना चाहती और इनेलो इसके लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने वाली है और उसके चलते वह 10 जुलाई को पंजाब से आने वाले सभी रास्ते हरियाणा के डबवाली से लेकर अम्बाला तक बंद कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने जीएसटी का विरोध कर इसका फायदा पूंजीपतियों को देने की भी बात कही और उसके विरोध पर आंदोलन छेड़ने की बात कही। यमुनानगर में आज इनेलो नेता अभय चौटाला 10 जुलाई को लेकर संबोधित करने पहुंचे। इस कड़ी में अभय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के हिस्से का पानी वह पंजाब से लेकर रहेंगे, जिसको लेकर वह 10 जुलाई को अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा के मंडी डबवाली से लेकर अम्बाला तक के सभी रास्तों को रोक देंगे और पंजाब का कोई भी वाहन हरियाणा में नहीं आने देंगे। तो वहीं उन्होंने सरकार द्वारा लागू किया गया जीएसटी पर भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जीएसटी की मार किसानों पर भी पड़ेगी और उसके चलते किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि ट्यूबवेल लगवाने को लेकर भी किसानों को टैक्स देना होगा और ऐसे में इनेलो एसवाईएल के साथ साथ जीएसटी का भी विरोध करेगी और जब तक जीएसटी वापस नहीं लिया जाता तब तक इनेलो आंदोलन करती रहेगी। हमारे प्रदेश की 60% इलाका जो है हमारा हरियाणा की जो आबादी है वो डार्क जोन में है। अगर हमें सतलुज का पानी नहीं मिला तो हरियाणा प्रदेश तो बंजर हो जाए, बचेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। इस बर्बादी का कारण केवल केंद्र की सरकार होगी, इसलिए हमने फैसला कर लिया कि ये नहर बने, केंद्र की सरकार पे दबाव बने, केंद्र की सरकार को मजबूर करें। इसके लिए हमने 10 तारीख को रास्ते रोकने, 10 को भी कोई फिर फैसला नहीं लिया गया तो अगला फिर हम अपना विचार विमर्श करके नई लड़ाई शुरू करें। आज की तारीख के अंदर हमारे साथ लगती हुई स्टेट पंजाब है, हमारे साथ लगती हुई स्टेट उत्तर प्रदेश है। पंजाब में किसान का कर्जा माफ हो गया, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री कह करके कि किसान का कर्जा माफ करें, उत्तर प्रदेश में भी माफ कर दिया। महाराष्ट्र के किसान का कर्जा माफ हो रहा है, मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ किया जा रहा है, बाकी जो देश के किसान है उनका क्या कसूर है? जब इस देश के अंदर बड़े इंडस्ट्रिस्ट का सबका एक मुश्त कर्जा माफ किया जा सकता है तो फिर हरियाणा प्रदेश के किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो? कर्जा माफ करने में कहते हैं कि स्टेट का काम, हम नहीं कहते कि स्टेट करे केंद्र करे, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में किसान की हालत भी बहुत खस्ता है। आज प्रदेश में कोई एक किसान ऐसा नहीं है जिस किसान पे कर्ज नहीं है और ये जीएसटी जो लागू होगी इस जीएसटी के बाद तो किसान पे और ज्यादा बड़ी मार आकर के खड़ी होगी। जीएसटी में कह रहे थे किसान पे किसी किस्म की कोई कर नहीं आएगा, अगर ट्रैक्टर खरीदने जाएगा तो 12% लगेगा, अगर ट्रैक्टर खराब हो गया कोई पार्ट्स खरीदने जाएगा तो 18% लगेगा, अगर ट्यूबवेल लगाएगा उसके लिए पाइप लाएगा तो उस पर 28% लगेगा, कोई भी बुआई के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने जाएगा उस पर 28% लगेगा। तो किसान को तो मारने की योजनाएं बनाई जा रही, इसलिए हमने आज हम जब सारे इस आपका ये क्या कहते हैं इसको जो लागू किया अभी जीएसटी, इस जीएसटी के लागू होने के बाद कल हमने अपनी मीटिंग करी थी और इसको बड़ी बारीकी से हमने जीएसटी को देखा था, इसका अध्ययन किया था। उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि जब तक जीएसटी वापस नहीं होगी, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, तब तक हम इस एसवाईएल के साथ साथ एसवाईएल का पानी भी मिले, कर्जा भी माफ हो और जीएसटी जो किसान के ऊपर लागू की है उसको खत्म किया जाए और जिस ढंग से गरीब आदमी को मारने के लिए आम आदमी को मतलब जिसका लाभ ना मिल सके, अगर जीएसटी लागू करनी थी, नारा तो दिया गया था एक टैक्स एक देश, नारा ये लगा था, लेकिन पेट्रोल के ऊपर 57% टैक्स है, डीजल पे 57% है, उसको कम करके 28 क्यों नहीं करते? अगर उसको 28 करेंगे तो उससे आम आदमी जो गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल वाला है, स्कूटर वाला है, जिसके पास कोई छोटे मोटा साधन जिसको लेकर के टैक्सी के रूप में यूज करता है, फिर कहीं ना कहीं उसको सस्ता होगा। उसको कम करने की बजाय उसको जीएसटी से बाहर रख दिया। जिस खाद के ऊपर एक नया पैसा टैक्स के रूप में हम नहीं देते थे उस पर 5% लगा दिया,
मतलब किसान के काम आने वाली चीज, आम आदमी, किसान की बात नहीं, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी करके, चाहे वो छोटी दुकान करके अपना काम चला रहे, चाहे कोई रेडी लगा करके अपना काम चला रहे, चाहे कोई खेती करके कर रहे हैं, वो जीएसटी की वजह से बड़ी मार में आएगा और बड़ा लाभ इसका जो है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको इसका बड़ा लाभ हो जाएगा।